कारवां टीवी हर पल आपके साथ। महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव को मनाने पहुंचे श्रद्धालु, शिवलिंग पर चढ़ाया जल और दूध, की गई पूजा अर्चना। बरेली जिले की तहसील नवाबगंज के गांव ईद जागीर में शिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने जाकर शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाया और पूजा अर्चना की। शिव भगवान के मंदिर पर आने वाले महिला पुरुष श्रद्धालुओं की इस दौरान लंबी लंबी कतारें लग गईं। श्रद्धालु पूजा करने के लिए सुबह से ही लाइन में लगकर खड़े हो गए। भक्त प्रसाद और जल चढ़ाने के लिए काफी समय तक लंबी लाइनों में लगे रहे। इस दौरान भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला, तो वहीं शांति व्यवस्था और शिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिर नवाबगंज प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी नवाबगंज कोतवाल अशोक कुमार कंबोज ने सुरक्षा व्यवस्था संभाल रखी थी। महिला पुलिस कर्मियों को भी विशेष तौर पर लगाया गया, जिससे कोई भी असामाजिक तत्व महिलाओं के साथ कोई गलत व्यवहार न कर सके। आइए कराते हैं प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन अपने चैनल से, कारवां टीवी के माध्यम से, रियाज गुड्डू अंसारी के साथ। इस मंदिर में आप कब से आ रहे हैं और कितनी भीड़ पास आ सकती है यहाँ पर? भीड़ तो अब तो बहुत ही आ रही है, और पहले भी इसकी मान्यता तो हम जब से शादी होकर यहाँ आए तब से हमने ये मंदिर की मान्यता देखी। बताते हैं इसके गर्भगृह में भगवान शंकर का
जो वो था मंदिर शिवलिंग था वो निकला, तब से ही यहाँ के लोग इसे मान्यता के रूप में प्रकट होकर यीशु ने दर्शन दिया यहाँ के संत को और कहा कि ये हमारी पूजा करो। तभी से यहाँ के ग्रामीण लोग यहाँ की पूजा करने लगे और फिर दूर दूर से जो कांवरी हैं जो जल लेके आते हैं, कोई कचला से आता है, कोई गोला से आता है, वो सब यहाँ आकर चढ़ाते हैं। जी मन्नत भी मांगते हैं और उनकी मन्नत पूरी भी होती है। हाँ हाँ मन्नत हम लोग पहले वैसे बात तो हम इस चीज़ के आदि नहीं है कि मन्नत मांगे, हम तो ईश्वर से वैसे ही कहते हैं कि सभी खुशहाल रहें। जो है प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, बतूरा से क्या? ये बेर है, ये एक प्रकृति की रूप में चढ़ाए जाते हैं कि इस समय बेरों का सीजन है, हर चीज सीजन के अनुसार ही चढ़ाई जाती है। ईश्वर जो है प्रकृति का रूप है, प्रकृति में ईश्वर है, इसीलिए उसी के अनुसार चीज बेल पत्री इस समय बेल ठंडक देता है, ऐसी चीजें चढ़ाई जाती है, भांग चढ़ाई जाती है, बेल चढ़ाए जाते हैं, बेल पत्री चढ़ाए जाते हैं, धतूरा चढ़ाया जाता है। हमारे शिव जो थे वो शांति के प्रतीक थे, जो पूरे विश्व को शांति दिया करते थे, वही उन्होंने सबको संदेश दिया। जानना चाहेंगे ये जो मंदिर है कौन सा मंदिर है और कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? जी प्राचीन यहाँ पर शंकर जी का मंदिर है और जब से नवाबन की स्थापना हुई और नवाबन की स्थापना सन 1770 के आसपास हुई, उसी समय से ये प्राचीन मंदिर यहाँ की स्थापना के साथ ही चला आ रहा है और उसमें गोला गोकरण नाथ और बरेली नवाबगंज और जो भी ग्रामीण क्षेत्रों के सब लोग हैं उनकी और आस्था का केंद्र है और यहाँ पर सभी लोग रुद्राभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाती? व्यवस्थाएं यहाँ के जो समिति है महंत हैं वो लोग यहाँ पर मतलब प्रसाद की और जल की व्यवस्था रखी जाती है। प्रशासन की तरफ से क्या आदेश दिए गए हैं? प्रशासन की व्यवस्था ये कही गई कोई भी व्यक्ति लंबी पूजा ना करे, लंबी पूजा करने से और श्रद्धालुओं को विवधान होता है क्योंकि आज सभी की इच्छा है कि हम जलाभिषेक करें, लेकिन लोग रुद्राभिषेक करना चाहते हैं, उसमें लंबा समय लगता है, इसलिए सबकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए जलाभिषेक की ही व्यवस्था की गई है। आने वाले श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे यही कहना चाहते हैं ये प्रेम शिव का त्यौहार है, शिव प्रेम है और सबके कल्याण की हम लोग कामना करें और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं सभी जीव जंतु मानव जाति सब सुखी में रहें। कारवां टीवी हर पल आपके साथ।